आज फिर अभी हम लोग है ना सोच रहे साउथ गोवा की तरफ एक होटल ले ले तो वो अभी हम लोग कम्प्लीट करेंगे। करने का भी मन कर रहा है और ये सब देख के एंजॉय करने का भी मन कर रहा है। एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज वैभव किडेचा। शुरुआत घर से होने वाली थी बट इतना हम लोग बिजी हो गए ना यार। हम लोग ने मलाड से पहले मेट्रो पकड़ी, हम लोग मलाड से मेट्रो, मेट्रो से ऑटो, ऑटो से ट्रेन पकड़ के फुल मसाज लिया बॉडी का। हाँ, इतनी और ऊपर से इतना ये सामान दिख रहा हूँ इतना सारा। और उसके बाद अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारा 9 और वो भी लेट है ऊपर से 10-15 तो 10 बजे आएगी और अभी वेट कर रहे हैं। और ट्रेन का नाम है निजामुद्दीन राजधानी या फिर मड़गांव, मड़गांव राजधानी, बस निजामुद्दीन मड़गांव राजधानी जो दिल्ली से निकलता है हजरत निजामुद्दीन से। सुबह 6 बजे निकलता है 22414, रात को 9:45 बजे का यहाँ टाइम है पर ट्रेन लेट में 10:05 पर यहाँ पहुँचेगी और सुबह 7 बजे आपको मड़गांव छोड़ेगी। सही है ना, मतलब कम है जैसे स्टेशन, बहुत कम है, बहुत कम है। बीच में जो स्टेशन आता है, स्टेशन लेती है ये बनवे, रत्नागिरी, देवी और ये मड़गांव। हाँ, तो हमने जो बुक किया है वो 2300 रुपीज़ है, 2300 है। और उसमें लंबा वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, राजधानी एक्सप्रेस। ट्रेन अनुषा क्या जवान है आपने? गोवा। ओके, क्या जवान है? गोवा। ओके रे भाई, फूड का हमने गलती ये कि वो दफरी में ये है ओवरऑल चपाती, देखो ऐसी है, गरम है ना भाई, एकदम फुल गरम फ्रेश है। ओके, खाके खाके बता भी दे कैसा है। वर्षों में फूड रिव्यू कर रहा हूँ, तो सबको तो अच्छा लगा, मुझे भी लगा। चपाती थोड़ा ज्यादा है बट अच्छा ही है, मतलब ऐसे देखा पराठा है, पराठा है बट फिर भी वो सॉफ्ट, अगर ये गर्म था तो ठीक था, थोड़ा सूख गया ना तो थोड़ा कड़क हो गया, बट अच्छा ही है, बुरा नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूँ जो भी है निकल दिया था वो भी सही है। पनीर का सब्जी है ना, उसका जो ग्रेवी वो थोड़ा पानी जैसा है, बाकी ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा है। और दाल भी थोड़ा पानी जैसा है, इतना पानी जैसा है नहीं बट अच्छा है, दाल भी अच्छा है, चावल भी अच्छा है, दही मिला है वो भी तो टेस्ट किया, वो तो नॉर्मल जैसा रहता है वैसे। तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। और फूड का मैं अगर रेटिंग बोलूँ तो 10 में से 7 अच्छा है। सो जाओ आप लोग, सोने के बाद फिर उठो। लास्ट टाइम हम मई में ही गए थे, केडी नहीं आया था, ही वॉज नॉट देयर। बट हम लोग अच्छे खासे 9 लोग गए थे गोवा, और फ्लाइट से गए थे और मई में ही गए थे, इसी टाइम पे गए थे लास्ट ईयर। और इसी टाइम पे हम पर लास्ट टाइम जब हम गए थे तो पूरा नॉर्थ मैंने एक्सप्लोर किया था, इस टाइम जा रहे तो पूरा साउथ एक्सप्लोर कर रहे, तो पूरा साउथ का ही व्लॉग आपको मिलेगा। खाली एक शायद मिलेगा, वो कसिनो अपन जाएंगे बस पंजिम के पास, दैट्स इट, बाकी सब पूरा साउथ का रहेगा। 24 बजे है 7 और ये ट्रेन आ गई मड़गांव एक्सप्रेस में। और यहाँ पे अभी हमारा चेक अपना ये होटल है हमारा जहाँ पे हमने बुक किया है, बाहर उड़पी है, उड़पी विहार में बुक करेंगे। और अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि चेक इन का टाइम ही 12 बजे है। चलो अभी अपना बजे 7:30 8 बजे। यूट्यूबर ब्लैक बैग भूल गए, पहले पहुँच गए। वैसे मेरे पास एक नंबर था जिससे मैंने बात किया था, वो पता नहीं फोन नहीं उठा रहा है, मैं भी शायद सुबह सुबह कर रहे इसलिए। पर ये बोल सकते हो कि पर डे का स्विफ्ट डिजायर का कुछ 1100 बोला उसने, पलेनों का 1200 बोला। अगर जैसी जैसी महंगी कारें लेंगे तो उस हिसाब से आपको पता ही है जो गोवा आते वो रेट क्या है, पर हम तो सस्ते टिकाऊ लेंगे। जो भी गाड़ी चाहिए आपको स्टेशन के बाहर ही मिल जाए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलना है आपको। और लेफ्ट साइड में भी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर ही, हम लोग तो डायरेक्ट सामने से आ गए ऑफर देने के, भाई रेंट पे गाड़ी मिल जाएगा करके, तो भी देखते हैं। बलेनो 2 गाड़ी और अच्छी नई गाड़ी ऐसा बोल रहे। और पर डे का क्या है, भावदल तो 5 दिवस मटे ले, 5 डेज के लिए लेंगे तो भावदल तो बनेगा ना भाई,
बाकी तो लाइक सिर्फ हाँ। और हाँ यहाँ आओगे भाई गाड़ी का एकदम प्रॉपर वीडियो बना लो, कुछ भी हल्का स्क्रैच रहेगा तुम पे आएगा तो तुम वीडियो बना के रखना और उनको भी भेज देना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है ऐसा है। इधर ही लोग पार कर देते हैं, इनकी जगह होती है क्या ये? ओके सो ये बलेनो ही है, 2,000-3,000 डिपॉजिट। कार मिल गया और अच्छा मिला है एकदम, कंडीशन बहुत अच्छी है, एसी भी सही चल रही है काविद यानी मतलब अभी काओ स्लिम बीच वहाँ पे हमारा द बाइक ओल्ड एंकर का होटल है जो हमने बुक किया 5 दिन। गोवा में फॉरेन टूरिस्ट कम हो चुके हैं, इसका रीजन ये है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है ना अभी भी चल ही रहा है तो उसके वजह से अभी पब्लिक कम आती है, पर फिर भी अगर फॉरेनर पिक टाइम जो रहता है वो मोस्टली आते हैं, एकदम माहौल ठंडा होता है तो ठंडे माहौल का धूप भी अच्छा होता है तो उस टाइम पे वो आते हैं, धूप लेना उनको ज़्यादा पसंद है। और मोस्टली आपको दिखेंगे वो अरम्बोल में, अंजुना में भी दिखते हैं, मोबोर में भी दिखते हैं और पललियम में भी दिखते हैं, ये चार बीचेस है जहाँ पे आपको मोस्टली फॉरेनर। बाघा बीच का जो है ना टिटोस लैंड वहाँ पे भी बड़े बड़े क्लब में आपको फॉरेनर बहुत दिख जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी पार्टीज में फॉरेनर बहुत दिखेंगे और आपको तो पता है बड़ी बड़ी पार्टी में बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े नशे, यू नो, तो वो चीजें है, फैक्ट है भाई, जो वो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। शाविर चलो बन ना, चलो हमारा नाश्तो इडली वड़ा एज ऑलवेज, हम गुजराती होके भी इडली वड़ा ही प्रेफर करते हैं, तो ये लोग जलेबी मामला रहेगा, इन लोग का ये मीट ठीक है, हमें गुजराती है तो बनाएंगे इडली और गुजराती, हाँ जलेबी मामला नहीं खाते, खमन नहीं खाते, हांडवी ढोकला कुछ भी नहीं खाते, हम भी ब्रेकफास्ट में इडली वड़ा इडली वड़ा ही खाते भाई, कभी बाकी नहीं खा लेते, हेल्थ कॉन्शियस है भाई, ऐसा नहीं कि भाई वो सुबह शाम चारों घंटा वही खाएंगे गुजराती लोग। गया यार सॉरी, क्या नजर कितना मस्त जगह है। सो फाइनली वी आर एट द बाइक ओल्ड एंकर, ये वेजिटेबल वेजिटेरियन होटल, इसको नहीं है भाई, एडिटिंग में एक नया फीचर पता चला है, ये और साइड से करना सस्ता पड़ेगा। क्या सीन है कि चलो स्विमिंग पूल के पास जो है वो डिलक्स स्वीट है यानी मीठा रूम है, क्योंकि नॉर्मल डिलक्स है तो थोड़ा दूर है स्विमिंग पूल से, बट इट डजेंट मैटर, वो तो हमने ट्राई किया, सी हमने ट्राई किया कि भाई हमको मिल जाए स्विमिंग पूल के बाजू में, तो फटाक से उठ के सीधा स्विमिंग पूल के अंदर, वो शॉवर वॉर में कौन नहाएगा, वो तो नहाने के बाद फिर शावर करके फिर निकल जाएंगे घूमने के लिए। तो आज का हमारा जो प्लान है वो है यहाँ पे कासोलिन बीच है जो बाजू में ही है वो जाएंगे और शाम को पललियम बीच जाएंगे, ये दो आज के दिन का हमारा प्लान है फिलहाल का, हमें आगे का इतना लंबा सोचा नहीं क्या क्या करना है बट आज का ये है। अभी मैं आपको पूरा ये टूर करा देता हूँ यहाँ का होटल का। सो ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना ये बोट, उसमें अंदर यहाँ पे पानी हुआ करता था बट वो पानी है नहीं, तो और थोड़ा सेक्सी लगता बट वैसा लग, बहुत बड़ा है, इसमें 100 से ज़्यादा होटल्स है कमरे, ओवर 100 होटल के सिर्फ एक ही स्विमिंग पूल, आज पब्लिक आई है स्कूल की तो बोल सकते। तो देखो गाइस कैसा लगा, अच्छा लगा तो डायरेक्ट द बाइक ओल्ड एंकर साउथ गोवा का और नॉर्थ गोवा दोनों होटल है, अपने हिसाब से बुक कर लेना, ऑनलाइन आप लिखना और वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा उस पर बात कर लेना, आपको कितने दिन के लिए डिस्काउंट भी कभी कभी रहता है, बाय वन गेट वन एक दिन का लो और एक नाइट फ्री ऐसा भी रहता है कभी कभी ऑफर। पानी भी अच्छा है, क्लीन है उतना नहीं बट है, क्लीन है, ब्लू पानी तो होता ही है जैसा वो उन लोग क्या बोलते हैं। और पीछे तालाब है वो मैं पहाड़ों का नज़ारा दिखाता हूँ भैया, और ये सारी रूम है यहाँ पे लाइन में, बहुत सारी रूम है यहाँ पे, एक एक कमरा मिला है और यहाँ से अंदर जाना है, बहुत सारे अभी हमें पता नहीं है, वो खुद बोलेंगे गार्डन आ लोगों चूली है तो बाकी गार्डन जो तो हाँ पर अच्छा है ओवरऑल अच्छा है मतलब हाँ। और यहाँ से बाजू में ही समंदर और बाजू में ही रिवर, 21,000 में और क्या चाहिए यार विद ब्रेकफास्ट, व्हाट यू गाइस वांट, शू जो है कावेरी ने 21,000 में शू जो है तने हाँ सारू जो है ना 21,000 में मस्त मस्त से बोलो ओके। वी हैव
अभी रिवर बताता हूँ मैं आपको नज़दीक से कैसा है। ओहो लवली व्यू ब्रो। गाइस कैसा लगा आपको ये व्यू कमेंट में ज़रूर बताना, और आप यहाँ आना चाहोगे कि नहीं ये भी बताना भाई, तक ये यहाँ मुझे कैसा लग रहा है। बट आप खुद आओगे तो आप ये चीज़ों को फील कर पाओगे एग्जैक्टली ये क्या है कैसा है। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी यू नो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है बाय गोल्ड एंकर, इनके बहुत सारे होटल्स है। तो मुझे ऐसा लगा कि सही रहेगा नहीं रहेगा सही रहेगा, बट मैं अभी आया हूँ तो आई एम श्योर 5 दिन मज़ा आएगी। मैंने 5 दिन के लिए यहाँ पे बुक किया, 5 दिन 5 नाइट्स एंड 6 डे का मैंने बुक किया हुआ है यहाँ पे। सो कैसा लगा गाइस, बढ़िया? हम करने का भी मन कर रहा है और ये सब देख के एंजॉय करने का भी मन कर रहा है, अभी इतना मन कर रहा है और अभी 10 बजे मीटिंग भी है, रोटी करना है। काम घूमने आए तेरी मजा आ गया वही, वो तुम्हारे काम को गालियां दे रहा है। गालियां नहीं दे रहा हूँ भाई, ये है कि भाई इंसान छुट्टी पे आके भी मीटिंग अटेंड कर रहा है, कहने का मतलब है कि थोड़ा तुम चील काट रहे हो यार, चील मत काटो। गलती से अगर मेरे मैनेजर ने वीडियो नहीं किया यहाँ पे बस तो अभी हम लोग थोड़ी देर नहाएंगे मौज करेंगे, चेक इन हो गया हमारा और उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे, फिर हम कैसोलिन बीच जो बाजू में ही है वहाँ जाएंगे, फिर शाम को हम जाएंगे पोलेनियम बीच, तब तक हमको नहाने दीजिए भाई। फाइनली हमने नहा धो लिया है और अभी बजे है 2, खाना ढूंढेंगे अच्छा से आजू बाजू में, यहाँ पे खाना है बट बहुत कॉस्टली है, पर पर्सन 550 रुपये यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो मेरे हिसाब से बेटर है कहीं ऐसी जगह जाए सस्ते में अच्छा निपट जाए, तो इतना भूख भी लगा नहीं तो ज़्यादा पैसा देना क्यों। तो आजू बाजू में खाना ढूंढेंगे, कैसोलिन बीच के आसपास ही है हम, और आजू बाजू में ढूंढेंगे फिर कैसोलिन बीच जाएंगे या फिर पोलेनियम बीच जाएंगे, ऐसा करेंगे। सो बस यहाँ से बने रहना, आगे बहुत कुछ है, देखते रहिएगा साउथ गोवा।